से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान रूस से एक बहुत बड़े पैमाने पर असलाह खरीदने का ख्वाहिशमंद है, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान के वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने एक रूसी अदारे को इंटरव्यू देते हुए कर दी है। रूसी अदारे को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि पाकिस्तान रूस से एयर डिफेंस सिस्टम, जंगी तैयारे SU-35, T-90 टैंक और दीगर फौजी साजो सामान की खरीदारी में दिलचस्पी रखता है और इन सब के माहदों के लिए रूस से बातचीत भी कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि इन सब के माहदों के लिए बातचीत अभी इब्तदाई मरहल में ही है। एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से उनका कहना था कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक मुख्तलिफ किस्म का हथियार है, जिसमें हमारी दिलचस्पी है और हम रूस के वसी रेंज हथियारों में भी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम रूस से एयर डिफेंस सिस्टम लेने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, जब हम ये मुज़ाकरात ख़त्म कर लेंगे तो फिर हम ऐलान भी कर सकेंगे। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने अपने इस तमाम इंटरव्यू के दौरान ये हरगज़ भी नहीं बताया कि पाकिस्तान कौन से एयर डिफेंस सिस्टम की ख़रीदारी के लिए रूस से बातचीत कर रहा है। अलबत्ता मुमकिन तौर पर यह एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ही हो सकता है। इसके अलावा SU-35 के हवाले से बात करते हुए वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि रूस से आइंदा चंद बरस में SU-35 की ख़रीदारी के हवाले से माहदा तय पा जाएगा, ताहम बातचीत अभी इब्तदाई मराहल में ही है। SU-35 के हवाले से आपको बता दूं कि पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट की ख़रीदारी के लिए रूस से पहले भी बातचीत कर रहा था और माहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। रूस भी ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को देने के लिए रजामंद हो गया था, लेकिन फिर बाद में ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने रूस से SU-35 एयरक्राफ्ट एसा रिडार के साथ मांगा है, जिस पर रूस ने पाकिस्तान को SU-35 एसा रिडार के साथ देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये बातचीत दम तोड़ गई थी। लेकिन अब एक बार फिर SU-35 को लेकर पाकिस्तान और रूस में बातचीत चली है, तो फिर मुमकिन है कि रूस SU-35 एयरक्राफ्ट एसा रिडार के साथ पाकिस्तान को देने के लिए रजामंद हो जाए, या फिर पाकिस्तान रूस को इस हवाले से राज़ी कर ले। तो अब आते हैं तीसरे हथियार की तरफ। तो दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने SU-35 और एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा T-90 टैंक का जिक्र भी किया है। इस हवाले से वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि पाकिस्तान रूस से T-90 टैंक खरीदने में भी दिलचस्पी रखता है और पाकिस्तान इसे सिर्फ एक सिंगल परचेज़ के तौर पर नहीं देखता, बल्कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के तहत खरीदने का इरादा रखता है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खुश आइंद बात है कि पाकिस्तान रूस से हथियार खरीद रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को जो अमेरिका की तरफ से वेपन थे वो अब मिलना बंद हो गए हैं। तो अब लिहाजा पाकिस्तान ने चीन के बाद दूसरा मुल्क रूस का इंतखाब किया है कि जिससे पाकिस्तान मुस्तकबिल में वेपन खरीदेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिन माहदों को लेकर पाकिस्तान और रूस में बातचीत चल रही है, ये माहदे अपनी तकमील को पहुँचें और पाकिस्तान ये तमाम हथियार रूस से लेने में कामयाब हो जाए। तो अब तक के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल